कुछ मामला शुरू हुआ? नहीं। सरको 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 सरको। आशा भैया लाइन में लगी, उनके बाद हमारा नंबर है। अरे दद्दू को नहीं हुई क्या अब तक? तो गाना बदल कर देखो ना। चे दद्दू को रोज गा गा के कराने का अजीब झमेला है डेली। अब क्या कुछ मामला शुरू हुआ? अब क्या आई? नहीं। लाइन में आ। लाइन में अप्पू। दद्दू। पर यार फिर प्रेशर नहीं बन रहा इनका आज। क्या हो रहा है? बोल दे, पेड़े बट रहे हैं, लाइन में लग जाए। ओहो बाबूजी फिर से? और नहीं तो क्या पिताजी, ये दद्दू का पेट साफ करवाने में हम सबकी रोज सारी सुबह चली जाती है। सब इनकी वजह से। मेरी वजह से? क्या मैंने बाबूजी का प्रेशर पीछे से यूं खींच के रखा है? ऊपर जो आधा बाथरूम बना के छोड़ रखा है उसमें कमोड को नहीं लगवा देते? सही कहते हैं आशा भैया पिताजी। अच्छा तो तू एक काम कर, तेरा ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दे, शादी कर ले। तेरे होने वाले ससुर को बोलना एक कन्या, एक जोड़ी कपड़ा और एक कमोड भेज दे। कंजूसी की भी हद होती है। बोल दे अगर पैसे बचाने हैं ना तो खाना ना खिलाया करे ताकि सुबह यहाँ आना ना पड़े, और अगर खिला रहे हैं तो निकालने का प्रबंध भी करे। हटो हटो मैं जा रहा हूँ। पलटन खड़ी है यहाँ पर। अरे गाना क्यों बंद कर दिया? अरे हो कहाँ रही है दद्दू गाने से? अरे भाई वो राणा मैं तेरा खून पी जाऊंगा वाला डायलॉग बोल देना। वो डायलॉग से दशहरे के पहले ही होना बंद हो गई थी, इनका सिस्टम भी तो अपडेट होता रहता है। लगता है तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। इस टाइम वो भी बैठा कर रहा होगा कहीं। ए थाली पीटते हैं। वो पहले लॉकडाउन में हो गई थी आराम से। अरे वो पूरी इंडिया ने पीटी थी, घड़ 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 घड़, तब जाके 5 बजे प्रेशर बना था इनका। यहाँ 4 थाली में क्या होगा? शिमला में कैसे की थी यार, वहां तो आसानी से हो गई थी। अरे वहां होटल ढलान पे थी ना बाबा, तो दद्दू की खाई देख के अपने आप निकल गए। कव्वाली गाते हैं ना, वो ट्रेन में कव्वाल लोग गा रहे थे, दद्दू की पहले अंतरे में हो गई थी। प्रोफेशनल कव्वाल थे इसलिए निकल गई। यार अब क्या बंजी जंपिंग करवाए उन्हें? अरे यार दद्दू को निकालो वरना ये रॉकेट ही छूट जाएंगे। क्या हुआ, पूरा परिवार मिलके इतना भी नहीं करवा पा रहे हैं? पंजाबी पंजाबी गाना लगाओ, जोश जोश में पक्का निकल जाएगी। हुई चौथे टाटा डामे ही हो गई। यस बेटा, भूखे का पेट भरना और बदहजमी वालों का पेट खाली कराना दोनों पुण्य का काम है। जीते रहो जीते रहो और जाते रहो। पिताजी, पापा, खोलो। टाइम टेबल सेट करके बैग रेडी कर दिया है, टिफिन डाल दिया है, और हाँ ये पानी की बॉटल ना लीक होती है तो स्कूल से लौटते वक्त बैग में मत डालना, वरना इतिहास भूगोल सब पर पानी फिर जाएगा। स्कूल की शर्ट किधर है तेरी? ऐसे स्कूल जाएगा? बिना होमवर्क के भी तो जाता हूँ ना चाची माँ, आज बिना स्कूल की शर्ट के चला जाऊंगा। अच्छा, अपनी मशरूम का एनिवर्सरी के दिन भी बिना शर्ट के स्कूल जाएगा? क्या भूल गया, 2 साल पहले आज के दिन तेरा पहली बार मशरूम कट करवाया था। आपको डेट भी याद है? हाँ, छोटी छोटी बातें खुशियाँ बड़ी बड़ी। वो सब छोड़, शर्ट किधर है तेरी? वो तो मिली नहीं चाची माँ। मिली नहीं? शर्ट तो कल अलौकी को धोने को दी थी। चल अबे रुक, भाग का रहा है रुक। अरे बचेगा नहीं तू आज मुझसे, रुक। मत मारो उसका हाथ आशा जी। आशा अमर जी, कितनी बार बोला है तुझे, कितनी बार बोला है तुझे, हमारे तौलिए पे अपना कच्चा मत चुकाया कर। और ये लाल वाली मिलती है तुझे, पूरा रंग छोड़ दिया। हाँ तो सही तो है, सोचो ये तौलिया ही लपेट लोगे तो सुपरमैन लगोगे। बड़े भाई का मजाक उड़ा रहा है। तू यहाँ क्या कर रहा है? पिताजी ने तुझे दुकान पे काम करने के लिए रखा है कि यहाँ खड़े रहकर ही करने के लिए? मालिक कहते हैं रिमझिम जहाँ काम दिखाई दी वहाँ बरस पड़ना। हाँ, चल अभी। अलौकिक, अक्की की यूनिफॉर्म कहाँ है? पर ये तो गंदी है। असंभव, ये हमने और अलौकिक ने साथ मिलकर धोई है, और जो धोते धोते हमारी गंदी हो गई वो आप धो देना।
पर ये कॉलर तो गंदे है पीछे से। हाँ तो पीछे कौन देखता है, स्कूल में बच्चा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जाता है। तो पूरी धोई नहीं। आशा भैया ने, आशा अमर भैया ने बोला ना, पूरी धोके क्या करेगा, मेन तो बगले होती है, पसीना वहीं से आता है। मुझे भी सॉलिड आइडिया लगा, तो कर दी बगलों पे सर्जिकल स्ट्राइक। अब मैं अक्की को ऐसी शर्ट पहना के तो स्कूल नहीं भेज सकती ना। भाभी तो ये पहना दो, ये देखो हमारा कार्य सर्वोत्तम। चलो थैंक गॉड, एक शर्ट तो साफ है, ये पहन ले। एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या निकल रहा है? चौक निकल रहा है। चौक, चौक गई ना। ये सुझाव भी आशा भैया ने ही दिया था, हमने तो केवल पालन किया है। जा जा दाग, वाह वाह चौक, बचपन से। भैया छोटा सा काम था, वो भी नहीं हुआ। वो पिछले हफ्ते मैंने पापड़ सुखाने बोला था, आपने हेयर ड्रायर चला दिया उसमें, और उसके बाद मेरे स्टोर रूम से जाले हटवाने बोली तो आपने अलमारी के ऊपर स्टूल रखवा दिया कि जाले दिखाई ना दे। अरे दिखने में ही तो दिक्कत है ना, जाले कौन से उड़ के चिपक जाते हैं। इट्स ओके भैया, आकी चल। चाची माँ अब आज भी मुझे टॉफी दे के कैजुअल पहना दो, मैं बोल दूंगा मेरा बर्थडे है। चल 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 चल। सरगम बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? ये ना पूरे स्कूल का पहला ऐसा लड़का होगा जिसका बर्थडे साल में चार बार आता है, आज भी कैजुअल पहन के गया है। ऊपर से अगर पापा को पता चला ना आज भी फ्री की टॉफियां बांटी है तो डांटेंगे सो अलग। बेबी रिलैक्स रिलैक्स, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। एक तो ये जो तुम्हारा रिलैक्स इट्स फाइन एवरीथिंग इज फाइन है ना, बंद करो, क्योंकि सब कुछ बोलने से ना फाइन नहीं हो जाता है। एक्चुअली पोहा, ए आज तो ट्यूसडे है ना, पोहे के साथ पराठे भी होंगे। नहीं है पराठे आज। क्यों? इट्स फाइन, पोहा इज फाइन। पोहा? लेकिन आज तो ट्यूसडे, पोहे के साथ पराठे भी होंगे। अप्पू अलौकिक मेरे छोटे भाई, आज सिर्फ पोहा है, ठीक है? सिर्फ पोहा, सिर्फ पोहा इज फाइन अलौकिक। सी एवरीथिंग इज फाइन। अरे नाश्ता बन रहा है या कोरोना की वैक्सीन, और कितना टाइम लगेगा? रेडी है भैया, क्या जबरदस्त पोहे बनाए सरगम ने। पोहे तो ट्यूजडे है, तो आज पोहे के साथ पराठे भी होंगे ना। आशा मर भैया, मैंने ना पराठों की भी पूरी तैयारी की थी, पर वो बाकी सारे काम करते करते ना इतना टाइम लग गया कि सिर्फ पोहे बनाने का ही टाइम मिल पाया। अरे लेकिन हम तो पराठे के लिए भी टाइम निकाल कर आए हैं। तू तो 56 भूख का टाइम निकाल के भी आएगा। बेटा अबे ना खाने के हिसाब से टाइम निकाला कर, टाइम के हिसाब से खाना मत बनवा। नास्तिक आज कोई बहुत खुश हो रहा है, पराठे के पैसे जो बच गए। अरे प्रशांत के घर जाकर देखो, रोज सुबह नाश्ते में तीन चीजें बनती हैं। प्रशांत के तीनों भाइयों की शादियां हो चुकी है, सरगम यहाँ अकेली है। आशा अमर अवस्थी तुझसे तो क्या ही कहे, करी कराई शादी तोड़ के बैठा है, तेरा तो बच्चा भी सरगम पालती है। अब रहने दीजिए ना पापा, अगले मंगलवार को ना पक्का पराठे मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाभी, ये हर मंगलवार को पोहे और पराठों की जोड़ी कभी मत तोड़ना। तू तेरी अपनी जोड़ी के बारे में सोच, ये एक और महानुभाव है, ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर बैठे हैं। पिताजी ये संसार एक माया है और शादी एक झमेला, आए थे अकेले और जाना है अकेला। ये गुरुजी ने कहा है। अलौकिक हम तो कहते कि तुम भी कभी शादी मत करना। खबरदार जो इसे भी तेरे जैसा बनाया तो। अरे बेटे की शादी में यूं चवन्निया अठन्निया उड़ा उड़ा के नाचने की खुशी तू नहीं समझेगा। अपने एंजॉयमेंट के लिए बच्चों को फंसा रहे हैं। अरे नहीं खाना मैं ये पोहा हुआ। अरे भैया अगले मंगलवार को ना पक्का पराठे मिलेंगे। हा? वो सुबह से आप लोग का फैलाया हुआ समेट रही थी ना, इसलिए सिर्फ पोहे बनाने का ही टाइम मिल पाया। हमारा फैलाया हुआ? हमने क्या फैलाया, हमने तो शर्टें भी धो दी। हाँ आप लोग एक चीज ध्यान से सुन लो कि घर में हम में से कोई भी ना शर्टों के बारे में बात करेगा ना ही शर्टें धोएगा, ठीक है? बेबी मैंने बोल दिया। हाँ वो कॉकरोच की दवाई डालने की जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी ना, डाली किसी ने? वो उस दिन अलौकिक कुछ डाल तो रहा था, फ्रिज के पीछे घुसा।
हाँ वो 10 का सिक्का गिर गया था, वो ढूंढ रहा था। मिल गया, वो मेरा था। पापा देखो ना, सुबह से ना सारी बैग सारी सूटकेस से साफ करियो, हर जगह ना कॉकरोच ने घर बना लिया है। हाँ पिताजी, दे किसी को 4 रुपए घूमने के लिए तो आदमी बैग सूटकेस लेके जाए भी, वरना उसमें कॉकरोच रह गएंगे। सरगम बेटा। हाँ आइए बाबूजी। यहाँ पे 2 चम्मच पोहे के लिए आदमी सारा दिन सिर्फ काम करता रहे। सरगम तुम ना वो दवाई हम पर ही डाल दो। हाँ हम ही कॉकरोच है ना इस घर के। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है, कुछ नहीं होता हमारे हिसाब से इस घर में। भैया मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि इस घर में ना हर काम आप लोगों के हिसाब से होता रहे। होता है, रोज हमारे रूम में आके रोता है कि भैया आज फिर कड़ी बन गई। और तू क्या हंस रहा है, जीरा राइस क्या बोलता है, अब छींकते हैं तो नाक से भी जीरा ही निकलता है। कोई खुश नहीं है सिस्टम से, बदलो इसे। मतलब डेमोक्रेसी। अरे सरकार भी 5 साल में बदल जाती है, घर उसके हिसाब से चले जिसके हिसाब से सब खुश रहे। वो होगा कौन, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। हाँ तो ये तो बहुत अच्छा है ना भैया, आज से आप घर चलाओ, मुझे तो मंजूर है। अरे नहीं नहीं नहीं, वरना लोग कहेंगे आशा अमर अवस्थी ने अपने बहू को डरा धमका कर सत्ता छीन ली। फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। हाँ फेयर सिलेक्शन, तेरे दाश की गड्डी, एक पत्ता आप निकालो एक भाभी, जिसका पत्ता बड़ा घर वही चलाएगा। अरे ये बाहर से चाइनीज मंगवाए या पिज्जा, इसकी बात नहीं हो रही है कि पत्ते खोल के डिसाइड करें, ये पूरा घर चलाने का इम्पोर्टेंट फैसला है। और इम्पोर्टेंट फैसले इस घर में कभी नहीं लिए जाते है? है? वोटिंग करके हमेशा लिए जाते हैं। मतलब इलेक्शन, आशा भैया वर्सेस भाभी। नहीं नहीं मतलब मेरे सिस्टम को ही तो बदलना है ना, तो मैंने अप्पू तुम लड़ लो। अरे ये तो सोनिया मनमोहन हुए, अरे पप्पू, अरे मतलब अप्पू तो वही करेगा जो सरगम कहेगी। पहले से ही इलेक्शन हारने से डर गया। मैं नहीं डरता किसी से। हाँ तो ठीक है ना, दूसरा कैंडिडेट अप्पू। हाँ परफेक्ट। सावधान आशा भैया, मकड़ा मानव की बात कभी मत भूलना। मकड़ा मानव? स्पाइडरमैन, हिंदी डबिंग देखते हैं ये। मकड़ा मानव ये कहते हैं कि जब सत्ता आती है तो साथ में जिम्मेदारी भी आती है। अरे वो सब छोड़ो, कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी, आज जितनी चाहे उतनी कैंपेनिंग तुम दोनों कर लो, कल से घर वही चलाएगा जो जीतेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, घर की सारी जिम्मेदारी, क्या बनेगा, कब क्या होगा, कौन क्या करेगा, वो सारे डिसीजन वही लेगा। ये खबर एकलव्य को भी कर दो, घर में छोटा है लेकिन उसका भी वोट गिना जाएगा ना। अब आ गया, लग गया नाश्ता, पोहा। आज तो ट्यूसडे, पोहे के साथ पराठा भी होगा ना। नहीं, नहीं।, नहीं। सरगम बेबी सुनो ना, ये नहीं चलेगा तुम्हारे बिना। अरे अपार शक्ति नाम है तुम्हारा, मतलब खुद पे जिम्मेदारी आने के चांसेस क्या बने, तुम तो कमजोर पड़ने लगे। अरे नहीं नहीं, बात ये नहीं है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अगर आशा भैया जीत गए ना तो रोज रोज घर में सबको कटहल खिलाएंगे, बताओ। मुझे तो कटहल बहुत पसंद है। नहीं मतलब अप्पू रिलैक्स, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। इधर आशा भैया समझने को तैयार नहीं है, कम से कम तुम तो मकड़ा मानव की बात को समझो। क्या देखो, पावर के साथ में जिम्मेदारी आती है, लेकिन आशा भैया के पास जब पावर आएगी तो वो जिम्मेदारी भूल जाएंगे और उसके बाद फैल जाएंगे, और फैलने के बाद ऐसे ऐसे रूल बनाएंगे, ऐसे ऐसे रूल बनाएंगे। अरे तुम डर क्यों रहे हो सकता है तुम जीत जाओ। मैं कौन सा घर चलाने में एक्सपर्ट हूँ। तो हो जाओगे, 4 साल से मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना। सरगम ये कर दो, सरगम वो कर दो, सरगम ये कहाँ है, सरगम वो कहाँ है, स्टेपलर कहाँ है। भाभी आप ही से पूछ रहा हूँ, इलेक्शन तक तो आप ही हो ना। इधर बैठ, क्यों चाहिए तेरे को स्टेपलर, क्या करेगा वो? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बरसों से दरारें हैं ना, सोच रहा था आज मैं स्टेपल कर दूं। अच्छा अरे स्टेपलर क्यों चाहिए, मतलब क्या कुछ स्टेपल करना है इसलिए चाहिए ना। वो क्रॉकरी वाली कबर्ड के ऊपर लेफ्ट वाली दराज में। चल निकल। और हाँ वो दराज ना धीमे से बंद करना, ऐसे धड़ाम से बंद करेगा ना तो जो वो क्रॉकरी का महल बनाया ना वो मतलब गिरा मत देना। देखा
देखा तुमने? अरे यहाँ लोगों को दराज बंद करना तुम सिखा रही हो। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। इस घर में किसी को कुछ नहीं पता है, सब तुमको पता है, सब कुछ तुम जानती हो। अरे कैसे मैनेज करेंगे ये लोग? तो मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पे, हेल्प करूंगी ना तुम्हारी साइड से। और तुम ऐसे बैठो मत, जाके वोट पक्के करो अपनी, या फिर रोज कटल खा लोगे। जिसका डर था वो ही हो गया। और कहीं मुझे जिसका डर है वो ना हो जाए। डियर फैमिली मेंबर्स, अगर मैं इलेक्शन जीता तो आपसे हर संडे 2 टाइम आइसक्रीम मिलेगी। अरे वादे वो करो जो पूरे भी कर सको। कब तक टूटे फूटे कपों में चाय पिएगा ये घर? अगर मैं आया ना तो स्टोर रूम से नहीं क्रॉकरी निकलवा दूंगा। हाँ जरा इनको बताइए कि भैया क्रॉकरी बदलने से चाय कैपेचिनो नहीं बन जाती, उसके लिए जरूरत है पिताजी की थोक के भाव में लाई हुई सस्ती वाली चाय पत्ती बदलने की। अगर मैं जीता तो प्रीमियम गोल्ड चाय पत्ती लाऊंगा। अरे चाय पत्ती छोड़ो, मैं चावल बदल दूंगा। कब तक वो छोटे छोटे दानों वाला सस्ता कोलम चावल खाएगा ये घर? हफ्ते में से 4 बार बासमती खिलवाऊंगा। हाँ सरगम, मैं घर के सारे कपड़े प्रेस करके दे दूंगा तुझे। एकलव्य, अब से साल भर तक दद्दू के पैर मैं दबाऊंगा। पिताजी मैं हिसाब किताब रखूंगा, आपके पैसे बचाऊंगा। छोड़ गणित में गोल। अरे कब तक भाइयों के इस्तेमाल की साबुन की टिकिया रगड़ेगा? तुझे तेरी पर्सनल साबुन की टिकिया दिलाऊंगा। अभी किससे नहाऊं? हर महीने टाकी साफ कराने की जिम्मेदारी से आजादी दिलाऊंगा। आस्तिक भैया, मैं आपके बताए हुए सारे आसन कर दूंगा। गुरुजी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, वोटिंग कंप्लीट हुई, अब मत गिनो। अरे भाई मत गिनो, वोट गिनो। ओ क्षमा। ये क्या? आशा जीता क्या? कौन जीता पता रिजल्ट? अप्पू भैया को मिले हैं 0 वोट। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आशा भैया, आप तो फुल मेजोरिटी के साथ जीत गए। आज से घर की कमान आपकी हुई। नहीं भाभी, आप गलत वाइब्स पकड़ रहे हो। आशा भैया को मिला है 1 वोट। क्या मतलब? आशा भैया को 1, अप्पू को 0, तो आशा चिट्स में सबने आपका नाम लिखा है भाभी। अच्छा। आप सब लोगों ने चिट्स में मेरा नाम लिखा है। लो बोलो। मैं समझता रहा कि मैंने अकेले ऐसा किया है। हाँ दद्दू, हमें भी यही लगा कि सिर्फ हमने ही, लेकिन यहाँ तो सभी ने। क्या है ये? लड़े ये जीती तू। क्यों किया ऐसा? बेबी। भाभी। सरगम, सरगम क्या हुआ? भाभी देखिए, मैंने सच में सोचा था आप फ्री हो जाएंगी, आपको भी टाइम मिलेगा, पर फिर एक सर्वे में देखा तो साल में 4.5% लोगों की जान रसोई में गैस लीक होने से जाती है, और अगर भैया लोगों ने गैस पे स्कूली छोड़ दी तो हो गया बस। दद्दू तो भाग भी नहीं पाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं भाग नहीं सकता। अरे सरगम भाभी देखो, हम तो ठहरे ब्रह्मचारी,
और अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी पूरी निष्ठा से करते हैं। लेकिन एक बार एक किताब में कहीं हमने पढ़ा था कि दुनिया की सबसे जरूरी चीजें जो भी है ना, वो सारी स्त्रीलिंग है। कलम स्त्रीलिंग, उससे लिखी जाने वाली किताब स्त्रीलिंग, धरती स्त्रीलिंग, उस पर उगाई जाने वाली फसल स्त्रीलिंग, अब उससे बनाई जाने वाली रोटी स्त्रीलिंग। बस हो गया। मुद्दे पे आ। तो जब पूरी दुनिया का हिसाब स्त्रीलिंग से चला आ रहा है, तो फिर हमारे इस घर का पुल्लिंग से कैसे चल सकता है? नाइस, वेरी नाइस। लेकिन मैंने इतना सोचा ही नहीं। और सोचना क्यों है? अरे भाभी आप ही हो, आप होते हो तो कभी लगता नहीं कि मम्मी नहीं है। हाँ, और ये गधे सर्कस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सर्कस कभी चला नहीं सकते। तू भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट चाहिए किसको? तू से जितना संभलता है संभाल ले, बाकी फैला दे। और फैला हुआ ही घर लगता है, परफेक्ट तो होटल होते हैं। देखा, बोला था ना, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। क्या आशा भैया, खुद ही को वोट दे डाला, हो गई ना वोट वेस्ट। मैंने वोट नहीं दी खुद को। क्या ये एक वोट आपका नहीं है? लेकिन अगर हम सब ने भाभी का नाम लिखा है, फिर आपको किसने? भाभी? आशा भैया को वोट मैंने दिया था। तो इसका मतलब आशा भैया ने भी भाभी को वोट दिया है? जानबूझ के तो नहीं, पर कल नजर पड़ गई तुम्हारी डायरी में, सोचा देखे ऐसे कौन से काम लिखे हैं उसमें। घर में तो वही झाड़ू पोछा बर्तन दो वक्त खाना और क्या, मंडे ट्यूसडे वेनसडे सबकी लिस्ट बनी पड़ी थी। लेकिन जब ध्यान से देखा तो इसमें से एक भी काम नहीं लिखा था उसमें। इसके अलावा और इतने छोटे बड़े काम थे जिनमें से एक काम अगर ना हो ना, तो एक दिन चैन से न कटे इस घर में। पढ़ने बैठू तो सुबह से शाम हो जाए, मंडे की लिस्ट ट्यूसडे का पन्ना भर रही थी। ये वो काम है जो हम बड़े आसानी से कह देते हैं अरे इसमें क्या है, लेकिन आज समझा उसमें क्या है। उसमें हिम्मत है, घर चलाने वाले औरत की मेहनत है, वो मेहनत जिसे हम पलट कर थैंक यू तक नहीं बोलते। और जो पिछले 4 साल से तुम हमारे लिए कर रही हो, और हम क्या कर रहे हैं, मंगलवार के पोहे के साथ पराठे के लिए झगड़ा? वो तो शायद हम ऐसे ही करते रहे। लेकिन एक बात समझ आ गई, जो तुम कर सकती हो ना सरगम, वो हम में से यहां खड़ा कोई भी नहीं कर सकता। और रही मेरे वोट की बात, वो कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, ये लॉकडाउन के दौरान काफी मर्दों को समझ में आया है कि छुट्टी के दिन भी बहुओं की छुट्टी नहीं होती। लोग कहते हैं कि 7.5 ही सबके लिए ठीक नहीं होती, मगर मेरी जिंदगी में तो 7.5 ने हमेशा अच्छा किया है। अप्पू ने मुझे प्रपोज भी 7:30 बजे किया था, और शादी से पहले हमारा अफेयर भी 7.5 महीने चला था। हमारे तो फेरे भी 7.5 हुए थे। हा? नहीं, वो अप्पू आधा फेरा ज्यादा चल गया था, और अब ये 7.5 अवस्थी, आप सब 7.5 लोग मेरी खुशियों की दुनिया बन चुके हो। लोगों के लिए होता होगा 7.5 ही बुरा वक्त, मगर मेरी जिंदगी में तो खुशियों की दिशा बनकर आया है। चाची माँ, अक्की आ जा। चाची माँ बहुत तेज भूख लग रही है। भूख लगी है? 10 मिनट में कुछ बना दो प्लीज। 10 मिनट में क्या बन सकता है? 10 मिनट में तो पोहे ही बन सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.